नमस्कार प्यारे बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास नाइन्थ मैथ्स की वर्कशीट नंबर 66 इंग्लिश मीडियम। बच्चों ये रिवीजन वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 4, 5, 6 की रिवीजन वर्कशीट है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम से। तो क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हम देख रहे हैं कि यहाँ पे MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एंड 5, 6, 7 को सॉल्व करना है इसमें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, इनमें से कौन सा सबसे बड़ा है। तो हम सबको सॉल्व करके देखते हैं। जैसे अब यहाँ पे है 4 square, तो 4 square क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व कर रहे हैं 16। सब वैल्यूज को सॉल्व करके देखते हैं। 16 की पावर 3/2 है, पावर है 3/2, तो 16 होता है 4 into 4, यानी 4 के 2 into 3/2, इसे कट जाएगा यानी 4 के 3 बचेगा। 4 के 3 कितना आता है, 4 into 4 into 4, यानी 4 चौक 16, 16 चौके 64, 64 आ गया। नाउ हम सी पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। 1/64 होता है 1/4, 4 चौक 16, 16 चौक 64, यानी 1/4 की पावर 3 और -1/3, तो ये कट जाएगा। तो 1/4 की पावर -1 होगा, तो ये से उल्टा कर देंगे, 4/1 की पावर 1 हो जाएगा, मतलब 4/1 की पावर 1, यानी 4 आएगा। तो हम ये देख रहे हैं इसका आंसर 16 है, इसका 64 और इसका आया 4 और इसका नेगेटिव आंसर आएगा, तो ये तो होगा ही नहीं ग्रेटेस्ट। तो इन तीन में ए बी सी में कौन सा आंसर होगा, हमारा बी आंसर, दिस इज ग्रेटेस्ट नंबर। नाउ बी पार्ट, बी पार्ट क्या कहता है हमें कि ए की वैल्यू ये है, तो 1/a हमें सॉल्व करना है। तो चलिए 1/a निकालते हैं। 1/a का मतलब है 1/2 + √3, ए की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, रैशनलाइजेशन करेंगे डिनोमिनेटर का, तो 2 + √3 है, हम लिखेंगे 2 - √3, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 - √3। सामने सामने ये सवाल को सॉल्व करा दे रही हूं ताकि आपको ये समझ में आ जाए इजीली। तो आंसर क्या आएगा, देखिए 1 से ये सारा मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो एज इट इज आएगा 2 - √3। अब नीचे हम देख रहे हैं एक फार्मूला बन रहा है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है, तो a + b a - b क्या होता है, a² - b², ए है 2 और b है √3, तो 2 का square - √3 का square, तो ऊपर तो ऐसे ही रहेगा और नीचे हो जाएगा 2 का square 4, 4 √3 का square होगा, √3 into √3। देखिए ये अब तक आपको आ जाना चाहिए, ये होता है √3 into √3, यानी कि रूट में चला गया 3 into 3 और एक बार बाहर आ गया रूट से। तो ये एक क्वेश्चन में तो मैंने आपको बता दिया, बाकी सब क्वेश्चन में आप समझ लीजिएगा, ओरल बताऊंगी। तो यहाँ 3 आ गया, अब 4 में 3 गया 1, तो बचेगा क्या आपके पास, 2 - √3 बचेगा। तो आंसर क्या है, बी, क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ 3 - 4। अब जो भी आंसर दिया हो इसकी वैल्यू निकालने, तो हम इस पे बोर्ड मास का नियम अप्लाई होगा। बोर्ड मास क्या होता है, जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, यानी हम सबसे पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, 3 - ये हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, 4, अब 4 में से 3 गया, -1 आ जाएगा, यानी -1 की पावर 4, ये 4 लिखा है ना पावर, ये देखिए ध्यान से, और पूरे सबकी पावर 3 है, एज इट इज उतारेंगे। -1 की पावर 4 का मतलब ये है कि -1 चार बार माइनस है, तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, हर जोड़ा माइनस प्लस होता जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, जोड़ा कैंसिल होता जाता है। यानी ये जो क्वेश्चन है, ये जो है -1 की पावर 4, ये क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, इसकी जरूरत ही नहीं है लिखने की। तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 3 - 4 और पूरे की पावर 3, तो आया क्या, 4 में से 3 गया, -1, अब इसकी पावर 3 है, इसको आप समझ लिए 3 बार है, इसका मतलब ये इस तरह से है, -1 × -1 × -1 3 बार, तो 2 बार माइनस प्लस हो गया, बचा सिंगल बार, और 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, और ठीक है -1, यानी कि इसका आंसर हो गया -1। ऑड पावर है तो माइनस में आएगा, इवन पावर है तो प्लस में आंसर आता है, सिंपल सी बात है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, विच इज इक्वल टू ए, किसका मान ए आएगा, किसकी वैल्यू ए होगी, सॉल्व करते हैं। देखिए ए की पावर -a की पावर समथिंग माइनस में दे रखा है, इसका कुछ हो ही नहीं सकता, और इसको आप सॉल्व करके भी टाइम खराब करेंगे, तो इसको एज इट इज छोड़ दिए, क्योंकि ये ए तो आएगा ही नहीं, तो मीन्स कि ये हमारा आंसर हो ही नहीं सकता। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, बी करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, ए की पावर 4 लिखा है ना,
और ये रूट में 12 है यानी 12th रूट है, तो इसको हम लिख सकते हैं इंटू 1/12 और साथ में 1/3 भी है यहाँ पे, ये सब तो ऊपर है तो इससे कट जाएगा 4, सॉरी इससे कटेगा, बचा क्या a की पावर 1/9। तो क्या ये आंसर होगा? नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, c को सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या है ये, a की पावर 3 है, अंदर 3 है और साथ में स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को हटाएंगे तो 1/2 हो जाएगा, सब मल्टीप्लाई हो जाते हैं, इंटू ये क्या है 2/3, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, a की पावर 1 आ गया यानी कि a, तो आंसर तो हमारा यही आ गया। लेकिन फिर भी हम d को सॉल्व कर लेते हैं, हम देख रहे हैं इसमें बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल है, तो मल्टीप्लाई में पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी 12/7 प्लस 7/12। ये किसी भी हाल में अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये a नहीं आने वाला, तो हमें सॉल्व करने की जरूरत ही क्या है, हमें तो आंसर बताना है, तो सी आंसर है इसका और हमें हमने इसको निकाल भी लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट ऐड करना है, ऐड मतलब कि यहां पे प्लस आएगा, प्लस आएगा तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, बीच में माइनस है, तो क्या सॉल्व होगा बताइए। 125 क्या होता है, 5 × 5 × 5 यानी कि 2 × 5 का एक बार तो रूट से बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 5 प्लस इसका क्या होगा 3 × 3 × 3 यानी 1/3 बाहर आ जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 6√3 होगा, फिर प्लस है प्लस माइनस माइनस 5√5, फिर प्लस और माइनस माइनस √3, इससे ये कट गया, बचा क्या 6√3 माइनस ये 1√3 है, √3 मतलब 1√3, अभी दोनों सेम है तो 6 में से 1 गया 5 √3 इसका आंसर आएगा। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। नाउ सेकंड क्वेश्चन करते हैं, सेकंड पार्ट यहां कर लेते हैं सामने, पांचवे का सेकंड पार्ट ऐड करना है तो हम ऐड लगा देते हैं यहां पे, तो क्या होगा ये √7 − 11, फिर ऐड का निशान है √5 − √11 प्लस √13, कोई भी डिजिट बाहर नहीं निकल रहा है रूट से, सिर्फ और सिर्फ ये सॉल्व हो रहा है और बाकी कुछ नहीं, तो आंसर क्या होगा √7 − ये दोनों सेम है, 2 बार है ये तो 2 आ गया, 2√11 प्लस √5 − √13, ये माइनस नहीं है प्लस है यहाँ पे। आया क्लियर समझ में, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, इसी का मल्टीप्लाई लिखा ये, तो इसका मतलब यहां पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, अब 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना है, 5 × 2 = 10 और √2 √2 2 बार हो गया तो ये 1 बार 2 आ जाएगा, तो 10 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 आंसर आएगा थर्ड का। फोर्थ भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम यहाँ पे, फोर्थ पार्ट हम यहां कर लेते हैं, फोर्थ को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, 3 × 3 = 9 और माइनस का सिंबल है, फिर यहां प्लस है, 3 को √5 से करेंगे 3√5। नेक्स्ट है फिफ्थ क्वेश्चन, क्या लिखा है यहां पे, डिवाइड, इसका मतलब यहां पे क्या सिंबल आएगा डिवाइड का, डिवाइड मीन्स न्यूमरेटर ऊपर और नीचे आ जाएगा −14√125। फिफ्थ क्वेश्चन, ठीक है, 7√5 / −14, अब 125 क्या होता है, 5 × 5 × 5, तो 2 × 5 एक बार बाहर आ जाएगा रूट से और अंदर एक बार बचेगा, तो √5 से √5 कट गया, 4 × 7 = 14, ये आंसर आएगा −1/10। छोटे छोटे क्वेश्चन थे, सामने सामने कर दिए, सिक्स क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं इसलिए हम इसे नीचे करते हैं। क्वेश्चन 6 का वन पार्ट क्या है, 2√2 + 3√3, फिर ये मल्टीप्लाई में 2√2 − 3√3, तो देखिए एक जैसा पैटर्न है, ये इससे इससे मिलता है, ये इससे सेम मिलता है, यानी हम देखें तो यहाँ a हो रहा है 2√2 और b है 3√3, तो फॉर्मूला बनता है a + b × a − b मीन्स कि a² − b², तो a क्या है बच्चों 2√2 का स्क्वायर
माइनस 3 रूट 3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या है, सबका स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 होता है, इनटू रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर 9 इनटू रूट 3 का स्क्वायर 3। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 4 2 जा 8 और ये हो गया 27। ठीक है, अब सॉल्व करके देखिए इसे क्या आएगा बताइए। 27 इसमें से माइनस कीजिए, 17 में से 8 गया 9, 19, 19 और 8 27 होता है, ये माइनस का 19 आ जाएगा। क्लियर हो गया। अब इसी के साथ हम सेकंड पार्ट करके देख लेते हैं, ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या है, 2 रूट 8 माइनस 3 रूट 2 का होल स्क्वायर। अच्छा, a माइनस b होल स्क्वायर बन रहा है, यहां पे a क्या है 2 रूट 8 और b है 3 रूट 2, यही है। चेक करिए इसको, ये फॉर्मूला होता है a माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसे पीछे लिखिए या बीच में लिखिए एक ही बात है, ए स्क्वायर यानी 2 रूट 8 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी 2 रूट 8 है ना, इंटू बी 3 रूट 2। मल्टीप्लाई करते चलो, स्क्वायर सबका होगा यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4, रूट 8 का स्क्वायर 8, 3 का स्क्वायर 3 जा 9 और 2 का स्क्वायर 2 होता है, रूट 2 है ना, दो बार आ गया, माइनस 2 दुनी 4 और 4 तीय 12 और ये हो गया 8 दुनी 16 रूट के अंदर, 16 रूट है तो बाहर आएगा तो 4 होगा, तो ये आ गया 32 माइनस 18 माइनस 12 चौक 48, ये प्लस है, तो ये हो गया 50 माइनस 48, आंसर आएगा 2। क्लियर है, समझ में आया, आई थिंक समझ में आ गया होगा सबको। चलिए थर्ड पार्ट देखते हैं क्या है, रूट 7 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर। रूट 7 प्लस रूट 6 का होल स्क्वायर ए क्या है बताइए आप, ए है रूट 7, बी है रूट 6 यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a है रूट 7 का स्क्वायर प्लस रूट 6 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए यानी रूट 7 इंटू रूट 6। रूट 7 का स्क्वायर तो 7 आएगा, ये 6 होगा और ये होगा 2 और रूट वाले ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 7 6 42 42, तो ये आ गया 13 प्लस 2 रूट 42 और तो इसका कुछ हो नहीं सकता, तो यही इसका आंसर है। ठीक, चलिए अब फोर्थ पार्ट भी कर लेते हैं इसका। फोर्थ पार्ट क्या है देखते हैं, सिक्स का 1 हो गया, थर्ड हो गया, सेकंड हो गया, फोर्थ की बारी। 6 माइनस रूट 2 और 2 प्लस रूट 3, 6 माइनस रूट 2, 2 प्लस रूट 3, यही है, एक बार चेक कर ले। तो आंसर क्या आने वाला है, अब इसमें तो कोई पैटर्न लग ही नहीं रहा, सारे डिजिट्स अलग अलग हैं, तो हम सीधे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को 2 से करेंगे 12 आ गया, अब 6 को ही रूट से करेंगे तो ये हो जाएगा 6 रूट 3, ध्यान रहे रूट वाले से मल्टीप्लाई नहीं करना है इसको, अब इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ये होगा माइनस का 2 रूट 2 और माइनस प्लस माइनस रूट 6, इसका कुछ हो सकता है नहीं, तो ये एज इट इज यही आंसर आएगा। क्लियर है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम ऊपर ही कर लेते हैं, इसको आराम से हो जाएगा ये। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, x की वैल्यू निकालनी है, देखिए 3 की पावर क्या बनेगा, 3 की पावर ये स्क्वायर रूट है यानी इसको 1/2 लिखते हैं, इनटू में x बराबर 3 की पावर 7, तो ये हो जाएगा 3 की पावर x बाय 2 इक्वल टू 3 की पावर 7। नाउ बेस इज सेम, बेस इज 3, दोनों तरफ बेस 3 है, दोनों सेम है, तो क्या होगा, बेस सेम है तो पावर को इक्वल रख देंगे, x बाय 2 इक्वल टू 7, आंसर क्या आ जाएगा बताइए,
तो उधर चला जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2 × 7, x इक्वल टू 14 आंसर आ जाएगा। इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाता है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा, 3 की पावर x है, इसकी पावर 2 है, इक्वल टू 3 की पावर 10 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x क्या आएगा। होप आप सभी ये क्वेश्चन कर पाएंगे, और इसी उम्मीद के साथ कि आपको वीडियो पसंद आई है, वर्कशीट पसंद आई है, तो हम्बल रिक्वेस्ट है शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम लोगों का भी हौसला बढ़े। टेक केयर, बाय बाय, जल्दी ही नेक्स्ट वर्कशीट आपके लिए लेकर आऊंगी मैं।